फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान, जिसके आप इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स से मैं आपको क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ दोनों का ये सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। बट हाई स्कूल का जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इंटर में भी ये चैप्टर है, मतलब कि इलेवेंथ में भी ये चैप्टर है। ओके गाइस, तो चलिए, ये मतलब कि टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ठीक है, एंड प्रकाश चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितने सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा, आप जानते हैं, सबसे पहले अगर हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में ही जान लेते हैं। जैसे कि चैप्टर हमारा प्रकाश, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो लाइट, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज दिस लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर अपनी भाषा में बोला जाए लाइट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें रोशनी, मतलब जो वस्तु को देखने के लिए रोशनी प्रदान करती है, वही हमारा प्रकाश या लाइट होता है, ठीक है। अगर हमें डिफिनेशन लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश वस्तु का दृश्य बनाता है और सूर्य का प्रकाश दिन करता है, ठीक है। तो ये हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं, बाकी तो आप बना के भी प्रकाश के बारे में लिख सकते हो जो आप प्रकाश से करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ठीक है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश तो है, आप देखते तो हो, रोशनी की वजह से आप वस्तु को देखते हो, लेकिन कैसे देख पाते हो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि वस्तु पढ़ने वाली प्रकाश को वस्तु परिवर्तित कर देती है। जैसा कि आपको एक बात बता दें कि जब हम किसी वस्तु, मतलब जो हमारा प्रकाश होता है वो डायरेक्ट प्रकाश को हम नहीं देख पाते, वो किसी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो वस्तु पढ़ने वाली प्रकाश को वस्तु परिवर्तित कर देती है और यह परिवर्तित किरण जब हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परिवर्तन क्या होता है, तो यह परिवर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। कहने का ये तात्पर्य गाइस कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम डायरेक्टली उस वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि प्रकाश आया और वस्तु को देख लिए, प्रकाश जब हमारा आता है, जब उस वस्तु पर पड़ता है तो परिवर्तित कर देता है, और यह परिवर्तित जो किरण होती है, जो हमारी रे होती है, वो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यह परिवर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से कुछ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश का परिवर्तन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स का अगर टेंथ ले क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर अगर ये चैप्टर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये चैप्टर के पूरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसे समझ लोगे तो आपको पूरी ये चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने डायग्राम को देखते हैं कि हमारा डायग्राम कुछ किस तरीके से बना है। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना है। अब बात करते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें गाइस, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाती है, तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए डायग्राम से ही समझिएगा, क्योंकि समझ में आपको तभी आएगा जब आप डायग्राम समझेंगे, देखिए, क्योंकि डायग्राम से आपको डिफिनेशन बनाना है, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारी नीचे की लाइन है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, बोलते हैं क्या, बोलते हैं आपतन बिंदु, ओके। जैसे कि आप लिखा है, देख लीजिएगा, इसकी हमारी जो नीचे की लाइन है इसे बोला जाता है आपतन बिंदु। तो हमारा देखिए डिफिनेशन क्या है प्रकाश का परिवर्तन का, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस चली आती है, वो हमारा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। कहने का यह तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टकराई और टकराकर रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग में वापस आई। देखिए, यहाँ पे डायग्राम में क्या शो कर रहा है, डायग्राम में ये शो कर रहा है कि एक किरण किसी वस्तु से टकराती है, सीधे जाती है, और सीधे जाने के बाद उसी मार्ग में सीधे वापस आती है। तो किसी वस्तु से टकराना और सीधे उसी मार्ग में वापस चले आना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो कि किसी वस्तु, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद सीधे उसी मार्ग में, ठीक है, कहीं और नहीं, सीधे उसी मार्ग में वापस आता है, तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है।
जो किरण जाती है, जो किरण वस्तु से टकराती है, उस किरण को क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो किरण वस्तु से टकराती है उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण टकराने के बाद सीधे वापस आती है उसे हम परिवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा बीच में वस्तु होता है वो हमारा अभिलंब कहलाता है, और जो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन देख लीजिए ये हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने वही डिफिनेशन लिखा है, तो डिफिनेशन में थोड़ा सा अलग है, क्या है चलिए देखते हैं। जैसा देखिए क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी लाइट, ठीक है, किसी भी लाइट सोर्स यानी प्रकाश के स्रोत से निकलकर, ठीक है, निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना गाइस। देखिए वही चीज हुआ, लेकिन थोड़ा सा अंतर कहाँ पे है, हमने जो आपको बताया वो अपनी लैंग्वेज में है, जो हमने आपको बताया उससे अगर आप याद करेंगे तो वाकई में आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सिर्फ डिफिनेशन इतना ही लिखना है कि जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर सीधे उसी मार्ग में वापस आती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रकाश का परिवर्तन का मतलब समझेंगे तो डिफिनेशन भी समझ जाएंगे। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये समझिए, परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आना और सीधे उसी मार्ग में चले जाना हमारा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि एक आपतित किरण होती है, एक परिवर्तित किरण होती है। जो किरण जाती है वो हमारी कौन सी किरण होती है, आपतित किरण होती है, और जो किरण रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वो हमारी परिवर्तित किरण होती है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, आपतित किरण परिवर्तित किरण के बीच, ठीक है, अभी मैं रुक जाइए आपको मैं नीचे बताती हूँ, ठीक है, चलिए देख लीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो हमारा परिवर्तन का नियम होता है, मतलब कि प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम होता है वो नियम क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए, वही चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कह रहा है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण कौन सी है और परिवर्तित किरण कौन सी है, देख लीजिए डायग्राम में बना है ना, एक आपतित किरण है जो किरण जाती है और एक परिवर्तित किरण है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ठीक है, तो एक आपतित किरण है और एक परिवर्तित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु आपको कौन सा है गाइस, आपतन बिंदु हमारा ये है ना जी, तो मतलब आपतित किरण किसकी बात कर रहे, चलिए देख लीजिए, देख लीजिए कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा उनके बीच आपतन बिंदु, तीन चीज की बात कर रहा है, और तीनों चीज ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तल में होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बता रहा है गाइस, देखिए इस डायग्राम में ही हमारा पूरा का पूरा आंसर और पूरा ही पूरा नियम है। ठीक है गाइस, इसलिए इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, और अभिलंब, ये चारों एक ही में है। ठीक है, कोई अलग नहीं है ना, यहाँ पे यही कहना चाहता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। ओके गाइस, ये हमारा पहला नियम हुआ। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के जो तल में खींचे गए लंब हैं वो तीनों एक ही तल पर हैं। यहाँ पे हमारा परिवर्तन का प्रथम नियम हुआ। ओके गाइस, द्वितीय नियम देखिए क्या कह रहा है, द्वितीय नियम कह रहा है कि परिवर्तन कोण तथा आपतन कोण सदो बराबर होते हैं। देख लीजिए कैसे, देखिए परिवर्तन कोण और अपवर्तन कोण, देखिए अब बात यह आती है कि अभी इसमें हमने ये एक चीज नहीं लिखा कि परिवर्तन कोण कौन सा है और अपवर्तन कोण कैसा है, आपतित किरण को परिवर्तन कोण, अपरिवर्तित किरण को आपतन कोण, किसे आपतन कोण कहते हैं, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण, ठीक है, हमारा ये गाइस आपतन कोण है और ये हमारा परिवर्तन कोण है, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परिवर्तन कोण जो हमारा होता है वो सदो बराबर होता है। ठीक है, आपको तो पता है। ठीक है,
देख लीजिए एकदम बराबर में इसलिए बना हुआ है कि आपतन कोण हमारा ये और परिवर्तन कोण हमारा ये। यहाँ पे आप चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है मैं आपको बता दे रही हूँ लिख के। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, ये हमारा जो है वो आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण, जिसे डेल आर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? परिवर्तन कोण है, ठीक है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके गाइस, ये हमारा दूसरा नियम है, ठीक। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हमारा परिवर्तन का नियम हो गया। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को गाइस इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। देखिए गाइस, इमेज क्या होता है, जिसको हम एक अपनी लैंग्वेज में बोले तो चित्र है ना। तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकृति की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकार मिलती है अथवा जिस बिंदु पर आकार मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को पहले बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। गाइस यहाँ पे क्या समझना है आपको? ये समझना है कि जो हमारी किसी बिंदु से चलने वाली किरण, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारा एक वस्तु है और वहां से जो हमारी किरण निकलती है, ठीक है, और जिस बिंदु पर आकार मिलती है, मतलब कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये किरण या हमारा कोई वस्तु है और यहाँ से हमारी कोई किरण निकली, ठीक है। किरण निकलने के बाद जिस बिंदु पर ये मिलती है उस बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर ये मिलती है और जिस बिंदु पर आकार मिलती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जहां पे एक इमेज बना ले वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जो होता है गाइस वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है चलिए देख लीजिए। पहला हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ओके गाइस, तो आपको इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया गाइस? प्रकाश का परिवर्तन एंड प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब एक चीज ध्यान लीजिएगा, मैं आपको फिर से ओरली बता दे रही हूँ प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर सीधे उसी मार्ग में वापस आ जाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब कि डेल टी बराबर डेल टी एम डेल टी बराबर डेल आर बराबर डेल टी डा। ओके, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। ओके गाइस, तो एकदम इजली इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सबसे बेस्ट टॉपिक। ओके गाइस, जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको क्या चीज़ बता दूँ और फिर से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।